हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू द डिस्कस एन सॉल्यूशन फॉर क्लास ट्वेल्थ विस्तार इंग्लिश बुक ऑन द फेस ऑफ इट इस वीडियो में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है बहुत ही सिंपल वर्ड और वॉकेबलरी यूज़ की गई है ताकि आप उसको ईजिली फ्रेम कर सकें अपने सेंटेंसेज में आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेन सेंटेंस होते हैं वॉकअरी होती है तो ड्यूरिंग द रीडिंग आप उस पर अंडरलाइन करिए और उसको क्या करेंगे आप मेन uh, पॉइंट अपने की पॉइंट जो भी होते हैं साइड बाय साइड लिख लीजिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन होता है उस लाइन को आप मोर देन वन क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर जो होता है उसको लिख सकते हैं तो इसीलिए फोकस करना है हर क्वेश्चन में कि कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन में उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं साथ के साथ अंडरलाइन भी करनी है समझना भी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप अपने ऑन वर्ड और ऑन सेंटेंसेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है वहाँ पर सभी जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है और अगर फिर भी कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगन फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ मिस्टर लैम मिस्टर लैम कौन थे एंड हाउ डज़ डेरी गेट इन टू हीज गार्डन और वो गार्डन में कैसे आता है तो मिस्टर लैम जो है वो एक ओल्ड मैन है ठीक है एक ओल्ड मैन है जो कि उसी गार्डन में रहते हैं एंड uh, उनका जो एक लैग है वो कैसा है टिन आ, टिन का लैग है हिज रियल लैग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर वॉर के टाइम पे उनका क्योंकि वो आर्मी में होंगे उस टाइम पे तो उनका जो पैर है वो आर्मी में वॉर के टाइम पे मतलब क्या हो गया था uh, उड़ गया था मतलब एक्सप्लोजन uh, में उनका पैर ख़राब हो गया था एंड ही हीज हाउस अब वो रहते हैं तो बिल्कुल अकेले रहते हैं अपने घर में देर इज अ गार्डन नियर द हाउस और घर में एक गार्डन है उनके uh, गार्डन बिल्कुल जैसे घर है ना यहाँ पे घर है और उसके सामने गार्डन बना लेते हैं सेम एंड इट हैज अ राइ्रैब एप्पल्स लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर तो उनके जो गार्डन है उसके अंदर ऑरेंज हैं एप्पल्स हैं ठीक है, है तो राइप क्रैप एप्पल्स लुकिंग ऑरेंज जो एप्पल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं ऑरेंज जैसे दिखाई देते हैं एंड uh, गोल्डन इन कलर और गोल्डन कलर के भी हैं तो एप्पल हैं उनके गार्डन में एंड मिस्टर लैम इज सिटिंग इन हीज़ गार्डन वैन डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इन टू हीज गार्डन अब जब मिस्टर लैम्स बैठे हुए थे गार्डन में अपने तो डेरी क्लाइम ओवर द गार्डन तो गार्डन की जो वॉल है वहाँ से वो चढ़ के आता है गार्डन के अंदर ना कि गेट से एंड दो द गेट इज ओपन जबकि गेट ओपन था लेकिन वो फिर भी गेट से नहीं आता द बॉय डज नॉट यूज़ इट मतलब जो डेरी है वो उस गेट को यूज़ नहीं करता वॉल को यूज़ करता है वॉल को जंप करके चढ़ के गार्डन के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दो लाइनों को अंडरलाइन कर सकते हैं मिस्टर लैम कौन है मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है ठीक है ओल्ड मैन है जो कि एक गार्डन में रहते हैं मतलब अकेले रहते हैं और गार्डन में उनका घर है ठीक है नियर देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसके लिए मिस्टर लैम के लिए एंड हाउ डज़ डेरी गेट इन टू हिज गार्डन और गार्डन में वो कैसे आता है सिंपल इज़ दैट इसमें आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्किंग आप आंसर लिखिए इसमें लिख सकते हैं डेरी क्लाइम ओवर द वॉल climbs ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इन टू हीज गार्डन तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो लाइन uh, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के जो स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क आपको करनी है जैसे जितना मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा अब सेकेंड क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड मिस्टर लैम मतलब जो भी उसकी थिंकिंग थी ठीक है विल चेंज डेरीज एटीट्यूड तो जो डेरी का एटीट्यूड है जो वो लड़का है तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा लैम को लेकर उसके करेगा क्या वो अपना चेंज यस ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टू वर्ड्स मिस्टर लैम क्योंकि अभी तक जो उसका नेगेटिव पॉइंट था जो यहाँ पर करेक्टर्स दिखाएँ लैम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और डैरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो उनके साथ जो भी इंसिडेंट होता है उसकी वजह से वो इन इन फेरियरिटी वाले कॉम्प्लेक्स रहता है किसके साथ डेरी के साथ क्योंकि लैम का जो पैर है वो ब्लॉन ऑफ हो जाता है वॉर में लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है बट जो डेरी है उसका हाफ फेस क्या है बर्न है जला हुआ है जिसकी वजह से सभी उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते जिसकी वजह से उसको बहुत फील होता है तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो यहाँ पे जो दिखाया गया है जिसकी वजह से वो उसको बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स लगता है ऐसा लगता है कि भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है तो लेकिन जो उसका थिंकिंग होता है एटीट्यूड होता है तो वो चेंज होगा क्या तो यस ऑल दिस विल चेंज डेरी इज एटीट्यूड टू वर्ड मिस्टर लैम के लिए उसका एटीट्यूड चेंज होता है एंड डेरी हैड अ नेगेटिव एटीट्यूड टू लाइफ एंड द पीपल ड्यू टू हीज़ बर्न फेस डेरी का जो अभी तक नेगेटिव एटीट्यूड था लाइफ को लेकर लोगों को लेकर क्योंकि उसका फेस बहुत ज़्यादा बर्न था और उसने वो फेस भी किया क्योंकि लोग उसके लिए इतने ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं सोचते थे ना ही उसको लाइक करते थे एंड ही सफर्ड फ्राम एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड अवॉइड मीटिंग पीपल इसी लिए उसको बहुत ज़्यादा लो फील होता था कि उसके अंदर कुछ कमी है और वो लोगों से मिलना जुलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था बट आफ्टर हीज़ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद मिसम ही वॉज एवल टू ओवरकम हीज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड चेंज हीज एटीट्यूड बट जब वो लैम से मिला उससे बातें करी उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया और उसके बाद से उसका एटीट्यूड चेंज हुआ क्योंकि मिस्टर लैम ख़ुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड थे जबकि उसके अन, उनके अंदर भी कमी थी उनका एक पैट टिन का था तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप स्टूडेंट अंडरलाइन कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड जो था दोनों का डेरी का और लैम का और हाँ लैम का डेरी का जो बिहेवियर था पहले लैम को लेकर उसके कुछ टाइम के बाद उनसे मिलने और उनसे बात करने के बाद उनका चेंज होता है और ख़ुद भी वो एक पॉजिटिविटी थिंकिंग uh, उसके अंदर आती है अपनी लाइफ को लेकर ठीक है तो इसके अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अब वो जो क्वेश्चन uh, है वो आपसे पूछ रहा है कि uh, जो लैम है ठीक है इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ डेरी जो सोचता है जो लैम के लिए है वो उसका एटीट्यूड पूछ रहा है व्हाट इज़ इट दैट ड्रॉज डेरी टू वर्ड्स मिस्टर लैम तो उसने मिस्टर लैम के लिए क्या सोचा हिम सेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिम सेल्फ अपने जगह बोर्ड डेरी एंड मिस्टर लैम सफ़र फ्रॉम फिजिकल एंड दोनों के अंदर ही फिजिकल कमी थी फिजिकली एंड डेरी हैज़ वन साइड ऑफ हीज़ फेस डिसफिगर्ड एंड बर्न बाय एसिड उसका एक साइड जो डेरी का था वो बर्न था एसिड से जल गया था एंड द ओल्ड मैन हैज़ अ टिन लैक बिकॉज ही इज़ रियल लैक गॉड ब्लॉन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर मिस्टर लैम का भी जो एक पैर था वो नहीं था टीन का था क्योंकि उसका वॉर पे वो वॉर मतलब ब्लॉन ऑफ हो गया था मिस्टर लैम पर्सनैलिटी इज एन एग्जाम्पल फॉर हिम टू लीव लिव लाइफ विदाउट फीलिंग अ सेम ऑफ हिम सेल्फ ड्रॉन अब यहाँ पे उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ लैम डेरी के लिए कि अब तक जो उसको फील होती थी अपने ऊपर शर्म आती थी वो अब उसको नहीं आती थी एंड डैरी वॉज ऑल्सो इम्प्रेस फ्राम द मिस्टर लैम पॉजिटिव एटीट्यूड सो ऑल दिस फैक्टर ड्रॉ डैरी टू वर्ड मिस्टर लैब तो ये सारे जो पॉजिटिव थिंकिंग हैं मिस्टर लैम के को लेकर मतलब uh, जो भी लैम को लेकर उनके अंदर एटीट्यूड था वो चेंज हुआ अपने आप ही ठीक है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें वही है कि जो भी एटीट्यूड टू मिस्टर लैम के लिए और यहाँ पे भी है वट इज इज वट इज़ इट दैट ड्रॉज वो कौन सी चीज़ है जो उसका जो डेरी का एटीट्यूड था मिस्टर लैम को लेकर इन स्पाइट ऑफ हिम अपने आप से ज़्यादा उन्होंने उसको ज़्यादा ध्यान दिया नेक्स्ट इन विस सेक्शंस ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लॉन्लीस एंड डिसअपॉइंटमेंट व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आ, जो मिस्टर लैम है वो डिसपॉइंटमेंट uh, या लॉन्लीस जो थी उनकी आ, उनसे पता चलता है कि वो अकेले थे बट फिर भी उन्होंने उसको ओवरकम करा तो वो कौन सी चीज़ें थी इन इट इज़ द मिडल एक्सन ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले दैट मिस्टर लाइम डिसप्प्ले साइन ऑफ अ लॉन लॉन्स एंड द डिसपॉइंटमेंट जब हम इस प्ले को देखते हैं तो उसमें फ़र्स्ट सीन में स्टार्टिंग में हमें डिसप्ले होता है कि वो कितना अकेले हैं और डिसअपॉइंट हैं ही मेक्स जैली फॉर द चिल्ड्रन के लिए वो जैली बनाते हैं लिस जो उनकी मधुमक्खी का वहाँ पर उन्होंने छत्ता है वहाँ पर जो वो हनी बी है वो क्या करती हैं उनका साउंड वो सुनते हैं जैसे मानो वो सॉन्ग सिंग कर रही हो, सिंगिंग कर रही हो, उनको सुनते हैं वो एंड ही सीट इन द सन एंड रेड बुक बुक्स को पढ़ते हैं सन sun की सन लाइट में बैठते हैं लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस उनको जो लाइट है और डार्कनेस दोनों ही पसंद है ही वॉज द विंड कमिंग थ्रू ओपन विंडोज उन्हें पसंद है जब विंडो ओपन होती है तो वहाँ से जब हवा आती है एंड देयर आर नॉट एनी कटेंस एट द विंडो एज ईदर शर्ट थिंग्स आउट और शर्ट थिंग्स इन तो उनका जो घर है वहाँ पे कोई विंडो पे कटेंस नहीं लगे हुए ओपन है बाहर से लाइट अंदर आ सकती है अंदर से बाहर का सब कुछ दिखाई देता है एंड दीज आर द वेज़ इन विच मिस्टर लैम ट्राइज़ टू ओवरकम हिज लॉन्ली लेस ये वो सब तरीके हैं जिससे वो अपने डिसअपॉइंटमेंट और अकेलेपन को दूर करते हैं ये कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने उनके अंदर कैसे आया वो क्या क्या करते थे एंड उनका जो डिसअपॉइंटमेंट था जो लॉनली है वो किन चीज़ों से डिस्प्ले होता है और वो कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया नेक्स्ट है द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज बाय अ फिजिकली इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सीन ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसबिलिटी वॉट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर देर द पर्सन एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स अब जो एक्चुअल पेन था या इनकनवीनियंस थी फिजिकल इम्पेयरमेंट को लेकर और जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसा सेंस uh, था कि वो दूसरों से अलग हैं एलिनेशन है फेल्ट बाय द पर्सनस एंड डिसेबिलिटी क्योंकि वो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर देर द पर्सन एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर्स लेकिन वो फिर भी लोगों से क्या एक्सेप्ट करते थे कि उनके साथ वो कैसा बिहेव करें अपनी डिसबलिटी के साथ ऐसा ना हो कि वो सोचते थे कि मैं अगर मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है कोई कमी है तो uh, उनका जो इमोशनली है सिंपथी उनको किसी से नहीं चाहिए थी मेन है द स्टोरी रिवेल दैट बिटर ट्रूथ ऑफ अ लाइफ लेट बाय द डिसेबल पर्सन इस स्टोरी में जो हाईलाइट पॉइंट है वो यही है कि कोई पर्सन डिसेबल होता है तो वो कितना बिटर ट्रूथ है एंड दे नॉट ओनली सफ़र फिजिकल पेन बट ऑल्सो सफ़र इमोशनली ड्यू टू द अबसर्ड बिहेवियर ऑफ पीपल वो उन्होंने ये भी देखा है वो कितना उन्होंने इमोशनली लोगों के बिहेव को सफ़र किया है फ़िज़िकली पेन के साथ साथ एंड दे आर टीज्ड एंड डिसक बाय अदर्स और किस तरीके से लोग टीज करते हैं या डिसलाइक करते हैं डेरी हैज़ अ बर्न फेस एंड द पीपल डोंट लाइक हिम फॉर बीग अगली और उसका भद्देपन की लुक की वजह से आ, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे सम गेट अफ्रेड ऑफ हिम विच डज नॉट अलाउ हिम टू स्टे विद डैम कुछ लोग उससे डरते थे और उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम्प हैज़ अ टिन लैग एंड इज टीज बाई किड्स एंड लैम लैम और लैम्प मिस्टर लैम्प जो है उनका भी एक टीम का पैर था और uh, उसको भी बच्चे चढ़ाते थे लैमिने लैम के नाम से बुलाते थे एंड ही लीव लिव्स अलोन इन हीज बिग हाउस एंड हैज़ नो वन इन हैज इन हीज़ लाइफ वो भी एक बहुत से बड़े घर में अकेला रहता था उन कोई भी उनके साथ नहीं था सच इंस्टांसिस शो दैट द सेंस ऑफ एलिनेशन ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि वो दैट दिस पीपल फील कॉज देम कंस्टेंट पेन कितना लगातार उन्होंने इस चीज़ को फील करा है कि किस तरीके से वो uh, जो एक like, uh, कहते हैं कि किसी से अलग होने का तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रूव करते हैं कि कितना पेन इमोशनली उन्होंने सफ़र किया सच पर्सन एक्सेप्ट कॉपरेशन फ्रॉम अदर्स तो वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो लोग हैं उनको कॉपरेट करें दे डू नॉट वॉन्ट सिंपथी वट जस्ट रीजनेबल बिहेवियर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल गेट फ्रॉम दियर काउंटर पार्ट्स तो उनके कहने का मतलब है वो कहते हैं कि लैम चाहते हैं कि कोई भी हमारे साथ ऐसा सिंपैथी वाला बिहेव ना करे नॉर्मल बिहेव करें जैसे कि सब लोगों के साथ करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है कोई सिंपैथी के साथ देखे या उनको कोई डिसलाइक करें विल डेरी गेट बैक टू हीज़ ओल्ड सेक्ल्यूजन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर एंड सेकुलेशन मीन्स होता है कि जब हम uh, अलग होते हैं तो क्या इसमें पूछा है कि जो डेरी है गेट बैक टू हिज ओल्ड अपने दोबारा नेगेटिव थाट में जाएगा या फिर मिस्टर लैम एसोशिएट इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ द लाइफ ही विल लेट इन द फ्यूचर या फिर मिस्टर लैम की वजह से उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं नो डेरी विल नॉट गेट बैक टू हीज सेकोलेशन वो अपनी दोबारा आइसोलेशन वाले पीरियड में नहीं जाएगा कि जहाँ वो अलग रहता था सबसे क्योंकि अब वो पॉजिटिव पॉजिटिविटी उसके अंदर आ चुकी है ब्रीफ एसोश एसोसिएशन ऑफ डेरी विद मिस्टर लैम बूस्टेड हीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्प हिम टू रिस्पेक्ट हीज़ ऑन सेल्फ अब जब से उसने मिस्टर लैम से बात करी थी या उसके कांटेक्ट में था तो उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर था बिल्कुल टोटली totally चेंज हो चुका था नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एटीट्यूड उसका आ चुका था सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और रिस्पेक्ट अपनी खुद की उसने करनी स्टार्ट करी थी तो यहाँ एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं नो डेरी विल नॉट गेट बैक टू हीज uh, सेकुलेशन वो अपने वापस आइसोलेशन वाली पोजीशन में नहीं जाएगा इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप लर्निंग